हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंडियन स्वीट डिश जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम कहते हैं बालूशाही। ये बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट और अंदर से जूसी होती है, तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप दही, 1 कप दूध सॉरी घी, 1 टीस्पून सोडा, 2 कप शुगर और 1 कप वाटर। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है, पैन में हम डालेंगे 2 कप शुगर, 1 कप वाटर। देखिए शक्कर हमारी ऑलमोस्ट पिघल गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे केसर। मैंने ये थोड़ी सी केसर भिगो के रखी है कलर के लिए, हम इसमें डालेंगे केसर। और साथ ही साथ बालूशाही में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। बस अब हमें इसे कंटिन्यूसली हिलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी या तो आप दोनों फिंगर्स के बीच में लेके देखेंगे तो एक तार आना चाहिए, या जब हम इसे चम्मच से इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो लास्ट में जो ड्रॉप अभी जैसे जितने आसानी से गिर रहा है इतनी आसानी से नहीं गिरना चाहिए, ये हल्का हल्का एक एक ड्रॉप गिरना चाहिए। तब तक हमें इसे बॉयल करना है। इसे बॉयल करने में हमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चाशनी बहुत अच्छे से पिघल गई है और अच्छे से बॉईल हो गई है, और हमारा तार जो है वो एक तार बन के निकल रहा है। आप इसको फिंगर के बीच में भी लेके चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, ये ऐसा ड्रॉप गिरा। इस ड्रॉप को हम इस तरह फिंगर के बीच में लेंगे तो देखिए एग्जैक्टली एक तार बन के निकल रहा है, तो मतलब हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। अब बालूशाही का आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा, और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून छोटा वाला बेकिंग पाउडर और इसमें थोड़ा सा होल करेंगे, और इसमें हम मोयन के लिए डालेंगे घी। ये घी पिघला हुआ नहीं है, नॉर्मल घी है। हमें घी को पिघालना नहीं है, नॉर्मल घी ही डालना है। पहले इस घी और आटे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मोयन आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए आटा और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फिर से एक होल करेंगे और हम इसमें दही डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये 1/2 कप दही मैं पहले डाल रही हूँ। और एक बात का आटा बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें इसको बहुत ज़्यादा गोंदना नहीं है, इसे रफ़ ही रहने देना है हमें, ताकि इसमें जो बालूशाही में जो लेयर्स आते हैं वो अपने आप आ जाएंगे। हमें इसे एकदम सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। ये देखिए ये दही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इसमें लेयर्स बढ़ रहे हैं ना, बस वैसे ही आटा लगाना है हमें। थोड़ा सा दही और लेंगे। बस ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। हमें मथना नहीं है इसे, ऐसे बार बार मथना नहीं है जैसे हम दूसरे रेसिपीज में बनाते हैं। इसे ऐसा लूज ही रहने देना है। और बालूशाही का आटा हम जब भी बनाएंगे तब हमारा घी
ऑलमोस्ट गर्म होने में है। मैंने ऑलरेडी घी गर्म करने के लिए लगा दिया है। अब इस तरह से हम आटा लेंगे और उसे हल्का हल्का बाइंड करते हुए ही हमें उसे शेप देना है। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है लोई के जैसा, और फिंगर्स के पाम के बीच में ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए हमें इसे इस तरह से फ्लैट करके बीच में अंगूठा दबा देना है। तो ये हमारे बालूशाही की शेप रेडी हो गई। वैसे ही ज़रा थोड़े थोड़े बैचेस में हम इसे बनाते रहेंगे। जैसे एक बैच में 8 से 10 लगेगी तो उतनी उतनी बना के ही हमें इमीडिएट डालना है, पूरा बना के नहीं रखना है। देखिए इस तरह से मैंने आटा पूरा मिक्स नहीं किया था और 1 बैच में जितने लग सकते हैं उतने मैंने बनाए हैं। अब हम इन्हें डायरेक्ट कढ़ाई में छोड़ते रहेंगे एक एक करके। गरम घी में हमें इसे छोड़ना है। और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें सेकना है। ये देखिए बालूशाही अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए हमारा पहला बैच अच्छे से फूल चुका है और फर्स्ट एक साइड से अच्छे से हो भी गया है। अब हम इसे पलटा लेंगे और दूसरे साइड इसी तरह से हल्का ब्राउन कलर आने जब तक, गोल्डन कलर आने जब तक हम इसे फिर से फ्राई करेंगे दूसरी साइड भी इसी तरह। और आप देख सकते हैं इसमें जो लेयर्स दिख रहे हैं इसकी वजह से अंदर से भी ये पक जाएगा, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही करना है। और आप देखिए साइज़ फूल के डबल हो चुका है, हमने जो साइज़ बनाया था उससे पूरा डबल हो गया है ये। ये देखिए बीच वाली जो है वो अच्छे से घूम रही है, इसका मतलब है कि वो अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है और बाहर से भी नीचे की साइड में अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल हमारे गुलाब जामुन के जैसे। गुलाब जामुन भी अपने आप जब मुंह होने लगते हैं तो इनका मतलब है कि वो हो चुके हैं। तो ये भी ऐसे अच्छे से अपने आप मुँह हो रही है और ये इसका मतलब है कि ये हो चुकी है। अब हम इन्हें देखिए मैं पलटा के आपको बताती हूँ। ये देखिए परफेक्ट सेम कलर दोनों साइड आ चुका है इनका। बस अब हमें इन्हें निकालना है। अब हमें इन्हें इस तरह के एक सेटअप में निकाल लेंगे। नीचे मैंने थाली रखी है और ऊपर ये जाली है ताकि एक्स्ट्रा घी जो भी होगा वो इसके थाली में आ जाएगा। इससे एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे हमारे, ये बाहर से सख्त दिखेंगे लेकिन अंदर से सॉफ्ट और जूसी होंगे, एकदम खस्ता बनेंगे। बस अब हमें इन्हें इस तरह सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इस पे छोड़ देना है और फिर हमें इन्हें इस चाशनी में डुबो देना है। ये देखिए इस तरह चाशनी में इन्हें छोड़ देना है और इन्हें हम चाशनी में छोड़ेंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स में चाशनी के छोड़ने के बाद ये अंदर से चाशनी को अच्छे से पी लेंगे फिर हम इन्हें निकालेंगे। ये देखिए बालूशाही अच्छे से चाशनी में डूब चुकी है और मैंने इसे इस तरह से पलट भी दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। ये मिठाई ऐसी होती है कि आप इसे स्टोर करके भी खा सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, ये कुछ भी ख़राब नहीं होती है। बस इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में प्रेजेंट कर देंगे। अब आती है बालूशाही को प्रेजेंट करने की बारी। ये यहाँ पे बालूशाही है, मैंने इस पे बारीक बारीक पिस्ता कट किया है, ये इस पे डाल देंगे सेंटर में। और मैं इसे प्रेजेंट करने वाली हूँ इस प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई में
सर्विंग कढ़ाई में। देखिए हमारी बालूशाही एकदम परफेक्ट रेडी है।